मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी युद्ध में अब भीलवाड़ा के प्रभावशाली मॉडल को मुख्य हथियार बनाया जाएगा। भीलवाड़ा की तर्ज पर शहर भर की स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा। इसके लिए नगर निगम को खासी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम के आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक बुधवार से नगर निगम की 1800 टीमें मैदान में उतरेंगी और सर्वे के साथ स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। स्क्रीनिंग का काम योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 6 दिन बाद दोबारा स्क्रीनिंग करने की प्लानिंग भी की गई है। दरअसल राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा शहर में कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में ही शहर भर की स्क्रीनिंग का दौर शुरू किया गया था। भीलवाड़ा प्रशासन की यह प्लानिंग कारगर भी साबित हुई और यही वजह है कि अब कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में भीलवाड़ा मॉडल को आदर्श मानकर नगर निगम की टीमें भी स्क्रीनिंग के काम में जुट जाएंगी। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल कर सकते हैं और पूरे देश भर में एक जो भीलवाड़ा मॉडल जो आजकल काफ़ी चर्चित है, भीलवाड़ा मॉडल और कुछ नहीं है, यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर एक बेसिक स्क्रीनिंग की टीम लगा दी गई थी और उसके द्वारा पूरे भीलवाड़ा का सर्वे उन्होंने करा लिया था। जितने भी संदिग्ध इस प्रकार के पेशेंट्स थे उनको पहले से आइडेंटिफाई करा के उनका अगर आवश्यकता पड़ी तो सैंपल लेके उनको आइसोलेट कर दिया और बहुत जल्दी इस पूरी समस्या पर काबू पा लिया गया। सेम टाइप की चीज़ हम लोग इंदौर में भी दोहरा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 1800 टीम्स की प्लानिंग करी है जिसमें से 1000 के आसपास नगर निगम की ही जो है टीमें हैं। बाकी की टीमें हमारी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और टीचर्स के माध्यम से हम लोगों ने बनाई हुई हैं। इसमें हम लोग जब हमारी टीमें जाएंगी तो हमारे 2-3 सवाल वहाँ पर रहते हैं कि जो इस प्रकार के लक्षण हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ हुई, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ या फिर किसी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आना, इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, उसको ऐप में दर्ज करते हैं। अगर किसी का भी जवाब अगर यस में आता है तो वो तत्काल प्रभाव से हर वार्ड पर हम एक डॉक्टर भी लगा रहे हैं, उस डॉक्टर के पास चला जाएगा और डॉक्टर उस जाके व्यक्ति को विजिट कर लेगा। अगर उसको लगेगा कि ये कोरोना का संदिग्ध मरीज है उसके सैंपलिंग के आगे की जो व्यवस्था है वो करी जाएगी। एक समस्या इसमें और ये आ रही थी कि जब कंटेनमेंट एरिया का हम लोगों ने सर्वे और स्क्रीनिंग शुरू करी तो वहाँ पर जो एरियाज दिए जा रहे थे GIS मैप पे मार्क करके, उसको ढूंढने में, वहाँ तक पहुँचने में और उसको जानने में बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को आ रही थी। तो इसमें भी हम लोगों ने जैसा राशन में किया था हम लोगों ने कि जो कचरा गाड़ी का रूट है उसको हम लोगों ने एक यूनिट माना है और उस यूनिट मानकर प्रत्येक कचरा गाड़ी के रूट पर 3 टीम्स की हम लोगों ने प्लानिंग करी है। जितने भी कंटेनमेंट एरिया के तहत हमारा सर्वे हो गया है उसको हम लोगों ने GIS मैप पे मार्क करके छोड़ दिया है। बाकी का जितना भी रूट बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने, अगर 50% रूट बचा हुआ है तो 2 टीमें लगा दी हैं, अगर 30% रूट बचा हुआ है तो 1 टीम लगा दी है। इस तरीके से कचरा गाड़ी के हिसाब से जितने भी घर वो कवर करती है प्रत्येक कचरा गाड़ी, हम लोगों ने पूरे शहर भर को 1800 यूनिट्स पे बांटा है। 1800 हमारी टीमें कल से काम करने लग जाएंगी। 1236 टीम्स अभी काम कर रही हैं। बाकी की टीमों को आज 5 बजे और 7 बजे नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग दी जाएगी। कल से पूरी 1800 के आसपास टीमें काम करना शुरू कर देंगी। सभी का सेक्टर वाइज डेटा हमारे पास में आएगा, कितने ऐसे मरीज निकल रहे हैं, डॉक्टर्स को कितने रेफर हो रहे हैं, डॉक्टर कितने अटेंड कर रहे हैं, उसमें से आगे सैंपलिंग कितनी हो जा रही है, ये पूरा का पूरा हमारा जो स्मार्ट सिटी का ऐप है उसके माध्यम से कार्रवाई जो है संपादित की जाएगी। मुझे जो उम्मीद है और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से शुरू करके अगले 5 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 6 दिनों के अंदर हम लोग पूरे शहर को कवर करेंगे। चूँकि 14 दिन का इसमें पीरियड होता है कि जो संक्रमण होता है उसके लक्षण सामने आने में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.